हेलो एवरीवन, माय नेम इज पिंकी अग्रवाल। जो स्टूडेंट्स मॉड्यूल 2 को प्रेफर करने वाले हैं, सीएस एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स दिसंबर 22 में, उनके लिए 3 मंथ्स की स्ट्रैटेजी, और ये बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी है। अगर आप मन लगा के अगर पढ़ोगे और इस तरीके से स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे तो आप अपने एग्जाम को जरूर क्लियर करोगे, ठीक है। ये फर्स्ट मॉड्यूल से ही रिलेटेड है, क्योंकि मुझे पता है कि कौन से जो सब्जेक्ट्स हैं वो थोड़े हार्ड हैं और कौन से ईजी हैं, उसी के अकॉर्डिंग मैंने अपनी स्ट्रैटेजी बताई है, ठीक है। तो वही बात आती है कि अगर आप 1 सितंबर से स्टार्ट कर रहे हो, 15 सितंबर तक, 1 to 15 आपके पास 15 डेज है, मुझे लगता है FSM, ठीक है, जिसमें 2 पार्ट्स होते हैं FM और SM का। SM में आपके ज़्यादा जो है चैप्टर्स नहीं होते हैं, और FM एक प्रैक्टिकल जो है सब्जेक्ट है, ठीक है। तो आप आराम से 15 डेज, और ऑब्वियस बात है मैं ये सोच रही हूँ कि आप पहले से कुछ चीज़ पढ़े तो होगे, ठीक है, थोड़ा बहुत ही कोई दिक्कत नहीं, पढ़े होगे, ठीक है। तो आप 1 सितंबर से लेके 15 सितंबर तक अपना FSM पढ़ो आराम से, अच्छे से पहले SM कंप्लीट करो, देन उसके बाद FM पढ़ो, या दोनों साथ में थोड़ा थोड़ा पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ो, ठीक है। बट इसका शेड्यूल रखना मॉर्निंग से इवनिंग का। मॉर्निंग से इवनिंग आपको पहले रखना है अपना FSM, 15 डेज में आप इसको कंप्लीट करो। उसके बाद इवनिंग टू नाइट आपको लेके चलना है अपना EBCL, ठीक है। मुझे लगता है कि EBCL एक थ्योरी सब्जेक्ट है, बट मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता था EBCL पढ़ना, तो मुझे लगता है कि मज़ा आता है क्योंकि इसमें बहुत सारी नॉलेज मिलती है आपको, तो मुझे लगता है कि वो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो आप 1 सितंबर से लेके 15 सितंबर तक अपना FSM कंप्लीट करना अच्छे से, और अपना जो EBCL है उसको लाइटली पढ़ना। लाइटली पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत आराम से पढ़ोगे, नहीं, 15 डेज में आपसे जितना हो सके आप उतना EBCL को कंप्लीट करने की कोशिश करना। देन उसके बाद 16 सितंबर से लेके 30 सितंबर तक आपके पास 15 डेज है, आप अपना EBCL का जो भी पोर्शन बाकी है आप उसको कंप्लीट, जितनी जल्दी अगर आप कंप्लीट कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है अगर जल्दी कंप्लीट हो रहा है तो 15 डेज जो आपका नेक्स्ट 15 डेज आता है उसमें अपना EBCL पूरा अच्छे से कंप्लीट करो, तो कहीं ना कहीं आपको 1 मंथ मिल जाता है FSM, अरे EBCL को, ठीक है, रिविजन करने के लिए, मतलब पढ़ने के लिए, ठीक है। तो FSM बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करता है, MCQ पेपर है, तो आप 15 डेज में FSM अच्छे से कंप्लीट करो। EBCL 1 सितंबर से आप जो है 15 सितंबर तक इवनिंग टू नाइट पढ़ना, देन उसके बाद 16 से लेकर 30 सितंबर तक आप पूरा टाइम EBCL को देना और अपना EBCL सितंबर में कंप्लीट करना, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका पास मंथ है अक्टूबर। अक्टूबर SLCM आपको पता होगा बहुत हार्ड है, CM में एक MCQ पेपर है अकाउंटिंग बेस है, तो कहीं ना कहीं आपको पता होगा कि उसमें कैसे क्वेश्चंस होते हैं अकाउंट से रिलेटिंग, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तब 1 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक वही से मॉर्निंग से इवनिंग अपना CM में पढ़ना, एंड 15 डेज के लिए आप इवनिंग टू नाइट आपसे जितना हो सके, ठीक है, SLCM को कंप्लीट करना, ठीक है। देन उसके बाद आपका जो नेक्स्ट 15 डेज आता है 16 अक्टूबर से लेकर आपके पास 31 अक्टूबर होता है, आप वहाँ पर SLCM को फुल टाइम देना, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि मतलब आपका जो थोड़ा सा लाइट पेपर है आप उसको 15 डेज में आराम से कंप्लीट कर सकते हो मॉर्निंग का इवनिंग टाइम देके। SLCM बहुत ज़्यादा हार्ड पेपर आपको लगता है, मुझे भी लगता था, ठीक है। तो आप जो है उसको पहले क्या करना है, CMA के साथ थोड़ा थोड़ा पोर्शन पढ़ना, उसके बाद जो नेक्स्ट 15 डेज आता है अक्टूबर में आप उसको फुल उस पर जो है फोकस करना और उसको अच्छे तरीके से SLCM को कंप्लीट करना। तो कहीं ना कहीं आपको EBCL और SLCM जो हार्ड पेपर्स होते हैं, थ्योरी पेपर्स होते हैं, आपके पास पूरा 1 मंथ मिल जाता है उसको कंप्लीट करने का, और 15 डेज में आपके लिए FSM और CMA इनफ है, ठीक है। तो 2 मंथ आपका ये पूरा कंप्लीट हो गया, आपका जो 4 पेपर है वो 2 मंथ्स में कंप्लीट हो गया। देन उसके बाद आता है नवंबर, तो वही सेम चीज़ कि अगर EBCL और SLCM एक थ्योरी है, 10 डेज आप EBCL का रिविजन करना, 10 डेज आप जो है SLCM का रिविजन करना नवंबर में, ठीक है, 5 डेज आप रिविजन करना FSM का, और 5 डेज आप रिविजन करना CMA का, ठीक है। अगर आपको टाइम थोड़ा आगे पीछे करना है तो आप कर सकते हो, बट मैंने ये डिवाइड इस तरीके से किया है क्योंकि पेपर पैटर्न पता है कि कौन सा कितना हार्ड होता है और कितना इजी होता है, ठीक है, तो इस हिसाब से कर सकते हो। तो नवंबर में 10 डेज का जो है आपका रिवीजन हो जाए EBCL और SLCM का, और 5 डेज का रिवीजन होना चाहिए FSM और CMA का, ठीक है। फिर आता है दिसंबर। दिसंबर में आपके पास 21 दिसंबर से सेकेंड मॉड्यूल वालों का 22 दिसंबर से आपका एग्जाम स्टार्ट होता है, 20 डेज आपके पास होते हैं, तो 5 डेज का आप रिवीजन स्टार्ट कर दो। बट हाँ, मैं हमेशा कहती हूँ जो पेपर सबसे पहला होता है उसको सबसे लास्ट में रिवीजन करना, इट मीन्स SLCM सबसे पहला पेपर है, तो उसको 16 दिसंबर से लेके 21 दिसंबर तक आप SLCM का रिवीजन करो, 22 को आप उसका एग्जाम दो। उससे पहले दिसंबर में आपके पास 5 डेज है, आपको जो सही लगता है वो करो। बट मेरा ये कहना होता है कि जो प्रैक्टिकल पेपर्स होते हैं, ठीक है, उनको आप जो है दिसंबर में पहले ही अगर आप कर लोगे, जितनी MCQ प्रैक्टिस कर लोगे उतना ज़्यादा बेटर होता है, जितना आपसे हो सके आप उतना ज़्यादा जो है प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो
फर्स्ट दिसंबर से लेकर 5th दिसंबर तक आप FSM का प्रैक्टिस कर लो, 6th दिसंबर से 10th दिसंबर तक आप CMA की प्रैक्टिस कर लो, 11th दिसंबर से लेकर 15th दिसंबर तक आप जो है अपना ABCL का रिवीजन करो, और 16th से लेकर 21st तक SLCM करो एंड 22nd को अपना एग्जाम दो। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि आपके पास भले 3 months है, पर 3 months में आपकी स्टडी भी हो जा रही है प्लस 2 times आपका रिवीजन भी हो जा रहा है, तो मुझे लगता है कि ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये मेरी स्ट्रेटजी, अगर आपको पसंद आई होगी तो आप मेरे वीडियो को लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पर प्रेस करना, कमेंट करना अगर आपको वीडियो कैसी लगी, या आपको कुछ और भी जानना है, डाउट्स है तो आप मुझे जरूर कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।